शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पिया किस हाल में होगी इसकी चिंता सबको है, लेकिन घर की बहू का क्या हाल हो रहा होगा इसकी किसी को फिक्र नहीं है। उसे कोई नहीं पूछ रहा है कि वो अपने पति को भेजना चाह रही है कि नहीं। हम रूबी को अपने घर की बहू नहीं मानते। अरे जब वो शादी ही झूठी थी तो अंश और रूबी का रिश्ता कैसे सच्चा हो सकता है। बहुओं पे जुल्म करना तो तुम लोगों का पुराना शौक है। परसों पहले मेरे साथ नाइंसाफी की थी और आज मेरे बहू के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। गुनाह किया है तो सजा के लिए भी तैयार रहना चाहिए मोहना। इन लोगों की बात मत सुन बेटा, ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। अपनी माँ की बात मान। अच्छा मैं जाऊंगा। कहा था मैंने कि अगर अंश को रोका नहीं गया तो वो एक दिन बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, पर डैड हमेशा उसे अंडरएस्टिमेट करते आ रहे थे। उन्हें लगता था कि एक सच्चे रीवा वंशी होने के नाते हम उससे तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हमें क्या पता था कि वो एक दिन डैड कोई। जितना मैं अंश को जानता हूं वो ऐसा नहीं कर सकता। अंश एक दावंश है पंडित जी, वो कुछ भी कर सकता है। और अब जब उसने साबित कर ही दिया है कि वो इंसानों के लिए खतरा है तो मुझे उसे मारना ही होगा। तुम गलत समझ रही हो सावी। असली खतरा अंश नहीं है। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि डैड की ये हालत अंश ने की है। सावी, अंश वो कर रहा था जो उससे करवाया जा रहा था। मोहना, उस डायन ने अंश को अपने वश में कर लिया था और वो ही उससे वो सब कुछ करवा रही थी। असली बुराई की जड़ वो मोहना है, वो डायन। अंश को मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो ठीक है, पहले डायन को मरना होगा और ये काम मैं खुद करूंगी। लेकिन बेटी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। आप शायद भूल रहे कि मैं एक रीवा वंशी हूं। रीवा वंशी तो निशांक जी भी हैं बेटा, परंतु वो भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगी? बेटा, मोहना का सामना करना आसान नहीं है, उसे हराना बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या करूं? ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूं? मेरे डैड की हालत जिसने की उसे छोड़ दूं? देखो बेटे, गुस्से और जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें निशांक जी के पास रहकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। तू ये सब मेरे बेटे को मुझसे दूर करने के लिए कर रही है। मेरे बेटे को अगर ममता रोक रही होती तो वो रुक जाता, मगर उसे ममता नहीं, तेरा डर रोक रहा है। किस बात का डर? दावंश और दैविक के मिल जाने का डर, तेरे मकसद के अधूरे रह जाने का डर, अंश का सिर्फ मेरा बेटा हो जाने का डर। मुझे डर है तो सिर्फ अपने बेटे को खो देने का। तू मुझे डायन कहती है, लेकिन असली डायन तो तू है। ये जानते हुए भी कि अंश की शादी रूबी के साथ हो चुकी है, तू उसे पिया के पास भेज रही है। कैसी माँ है तू? अपने ही हाथों से अपने बेटे की गृहस्थी में आग लगा रही है। मैं वही कर रही हूँ जो सही है। अंश, तू जा बेटा, तू यहाँ अपना वक्त बर्बाद मत कर, तू जा। रुक जा बेटा, वहां बहुत खतरा है। इसलिए तो जा रहा हूं क्योंकि वहां खतरा है, और पिया के लिए। तेरी कुछ नहीं लगती अंश, वो दैविक है, अपनी रक्षा खुद कर सकती है। वो वही पिया है जिसने जाने से पहले तुझे मारने की धमकी दी थी। मेरे परिवार से दूर रहना अंश, वरना जो हाथ जान बचा सकते हैं वो जान ले भी सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिसके लिए तू खतरा मोल लेने जा रहा है वो खुद तेरे लिए खतरा बन जाए। मैंने पिया से वादा किया था और वो वादा मैं निभाऊंगा। और उन वादों का क्या जो तूने शादी के वक्त रूबी से किया था? एक अनजान लड़की के लिए तू अपनी बीवी को कैसे छोड़ सकता है? वो शादी एक झूठ थी तो वादे भी झूठे थे, वो वादे जो आपने अपने फायदे के लिए बोले थे। माँ झूठ बोलती है तो बेटे के लिए, उससे मिलने के लिए। कब तक एक माँ अपनी औलाद से दूर रह सकती थी? और शादी धोखे से हुई, लेकिन हुई तो है ना। हम उस शादी को नहीं मानते मोहना, वो एक झूठ था, झूठ था, तुम्हारा छलावा। लेकिन फेरे वो तो असली थी ना, मंगलसूत्र तो असली था ना। मगर उस शादी का मकसद तो सिर्फ एक फरेब था ना, एक धोखा था जो तुमने हमें दिया, हमारे घर के बेटे को दिया। अंश मेरा बेटा है और एक माँ अपने बेटे के साथ जो भी करे तुम लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इनफ, इनफ। भैया, ये हमें इधर उधर की बातों में उलझा रही है, हमारा टाइम वेस्ट कर रही है। अंश तुम जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि पिया किसी मुसीबत में हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पिया किस हाल में होगी इसकी चिंता सबको है, लेकिन घर की बहू का क्या हाल हो रहा होगा इसकी किसी को फिक्र नहीं है। उसे कोई नहीं पूछ रहा है कि वो अपने पति को भेजना चाह रही है कि नहीं। हम रूबी को अपने घर की बहू नहीं मानते। अरे जब वो शादी ही झूठी थी तो अंश और रूबी का रिश्ता कैसे सच्चा हो सकता है? बहुओं पे जुल्म करना तो तुम लोगों का पुराना शौक है। परसों पहले मेरे साथ नाइंसाफी की थी और आज मेरे बहू के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। गुनाह किया है तो सजा के लिए भी तैयार रहना चाहिए मोहना। इन लोगों की बात मत सुन बेटा, ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। अपनी माँ की बात मान। अच्छा मैं जाऊंगा। से कम अपनी माँ के बारे में तो सोच। मैं यहाँ सिर्फ तेरे लिए आई हूँ अंश। तुझे खो दूंगी तो मेरे पास और क्या बचेगा? बंद करो अपना ये नाटक मोहना। तुम्हारे ये झूठे आंसू अंश को नहीं रोक सकते। अंश कहीं नहीं जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि अंश तुम्हारी बात सुनेगा? सुननी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। ये खून की पुकार है। आज अंश न तेरी कोई बात सुनेगा न मानेगा। आज अंश पिया के पास जाएगा। मैं भी देखती हूँ कैसे जाता है। मैं भी देखता मुझे कौन रोकता है। अंश, मैं तेरे भले के लिए तुझे रोक रही हूँ। मत जा अंश, मुझे वो करने पे मजबूर मत कर जो मैं नहीं करना चाहती। अंश, अंश, रुक जा अंश। मैंने मना किया था ना, मुझे मजबूर मत कर। आपको जो करना है कीजिए, मैं नहीं रुकूंगा। वरना अच्छा नहीं होगा। अंश, मैंने कहा रुक जा, रुक जा। दूर तक कुछ भी नहीं है।